गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स। दिस इज मी योर होस्ट नितिन। और जैसा कि ये जगह तो आई एम श्योर आपको बहुत जानी पहचानी सी होगी, तो ये फूलों भरी जगह से आपको आई एम श्योर याद आ गया होगा कि यहाँ पे हमने इससे पहले भी कई सारे वीडियोस करे हैं। तो गाइस, थंबनेल देख के, टाइटल देख के आपको समझ आ ही चुका होगा कि आज का वीडियो किस चीज़ के बारे में है। तो आइए, आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक्सेस 125 BS4 और एक्सेस 125 BS6। जानते हैं कि इन दोनों गाड़ियों में कंपैरिजन करके कि क्या चेंजेस आए हैं। उसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के बीच में। सो फॉर दिस प्लीज स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, जैसा कि हमने आपको कहा था कि आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन, तो आ चुकी हैं हमारे पास दोनों ही गाड़ियाँ, जो कि हैं एक्सेस 125, ये है BS4 मॉडल और ये है BS6 मॉडल। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा आप देखें कुछ सिनेमैटिक्स, इन्जॉय कीजिए और उसके बाद करते हैं कुछ बात। सो गाइज, आई एम श्योर आपको सिनेमैटिक्स अच्छे लगे होंगे हमारे गाड़ी के। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि BS4 से BS6 में ट्रांजिशन होने के टाइम पे एक्सेस 125 में सबसे बड़े चेंजेस जो आए हैं वो क्या हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आगे से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक्सेस 125 में बेसिक्स में आते थे स्टील व्हील्स, और इसके साथ साथ अब जो एक्सेस 125 नई आ रही है इसमें आते हैं अलॉय व्हील्स। अलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स भी हो जाते हैं। देन अगेन आपको एक और चीज़ जो यहाँ पे आपको चेंजेस मिलेंगे, ये आ जाता है CBS। तो यहाँ पे आपको फ्रंट में मिलता है डिस्क ब्रेक और पीछे मिलेगा आपको ड्रम ब्रेक, जबकि BS4 जो मॉडल्स थे उसमें ज़्यादातर जो था ये असिस्टेड ब्रेकिंग सिस्टम होता था, जिसे कि हम कहते हैं कि सिंगल ब्रेक सिस्टम था। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये दबाऊंगा, ये लेफ़्ट साइड का ब्रेक लीवर दबाऊंगा, तो ये सिर्फ पीछे के पहिए को रोकेगा, आगे के पहिए को नहीं रोकेगा। लेकिन अब BS6 में आ चुका है CBS, विच इज़ कम्बाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। यानी कि अगर मैं सिर्फ ये ही दबाऊँगा तो पीछे का भी रुकेगा और आगे का भी रुकेगा, जो कि एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है। नंबर टू, जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो एक और चीज़ में आया है, वो है हेडलैम्प्स में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो BS4 मॉडल में आते थे हैलोजन हेडलैम्प्स, अगर इसी की जगह पे आप देखें तो अब BS6 में आते हैं LED हेडलैम्प्स। मैं दोनों को ऑन करके आपको दिखाता हूँ जिससे कि आप इसको समझ पाएँ। तो ये देखिए गाइस, ये हैं LED हेडलैम्प्स जो कि BS6 मॉडल में आते हैं, ये देखिए। और इसी की जगह पे अब मैं आपको दिखाता हूँ BS4 के, तो आप देखेंगे कि BS4 में जो एक चीज़ है वो है हैलोजन हेडलैम्प, ये देखिए गाइस। तो इसमें कन्वेंशनल हैलोजन हेडलैम्प्स आते थे जो कि अब LED से रिप्लेस कर दिए हैं। एक और बहुत ही मेजर फीचर जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस, वो है इस गाड़ी की इलेक्ट्रिक पावर एफिशिएंसी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मैंने। अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो इसके साइड लैंप्स हैं, अगर आप देखें, मैंने चाबी ऑन करी है लेकिन ये ऑन नहीं होंगे। और इसको अब मैं ऑन करता हूँ तो ये देखिए, अब अगर मैं चाहूँगा विवेक आप ज़रा इसके ऊपर जूम करके दिखाएं, तो आप देख रहे हैं कि ये लाइट्स फ्लक्चुएट कर रही हैं। ये लाइट्स फ्लक्चुएट इसलिए कर रही हैं क्योंकि ये AC करंट बना रही हैं, DC करंट के ऊपर नहीं है। इसीलिए ये लाइट्स फ्लक्चुएट कर रही हैं क्योंकि ये गाड़ी के डायरेक्ट मैग्नेट से दिए गए करंट से ऑपरेट हो रही हैं। जबकि BS6 में अगर आप देखें तो ये देखें, जैसे ही मैं चाबी ऑन करता हूँ ये लाइट्स ऑन हो जाती हैं, यानी कि ये 100% DC इनेबल्ड लाइट्स हैं और इसमें कोई भी गाड़ी के मैग्नेट से करंट यूज़ नहीं हो रहा है। तो ये है एक बहुत ही बड़ा दूसरा फैक्टर जो BS4 और BS6 को चेंज करता है। तीसरा चेंज जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है इसके क्लस्टर मीटर में। तो ये देखिए आप, अगर आप BS4 का क्लस्टर मीटर देखते हैं तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत क्लस्टर मीटर है, लेकिन अगर आप इसमें देखें
तो इसका जो इल्यूमिनेशन है दैट इज कम्प्लीटली इन येलो कलर है, जिसके साथ साथ आपको इसमें टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, उसके साथ अगर आप हेडलाइट हाई बीम लो बीम करते हैं ये मिलता है, उसके साथ अगर आप यहाँ पे फीचर्स को चेक करें तो ये आपको मिलती है ओवरऑल, ये ट्रिप ए, ये ट्रिप बी और ये। इसके सिवाय आपको इस क्लस्टर मीटर में और कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ आ जाएं और मैं चाहूँगा विवेक मीटर को दिखाएं, तो ये देखें ये क्लस्टर मीटर अपने आप में बहुत ही डिफरेंट है। अगर मैं दिखाता हूँ आपको फिर से ऑन करके, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे एक तो आ जाएगी आपकी EFI की लाइट, ये देखें गाइस मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये देखें यहाँ पे जैसे ही मैं मीटर ऑन करता हूँ ये देखें एक EFI की लाइट आती है और उसके साथ एक यहाँ पे वार्निंग लाइट भी आती है, ये देखें। तो अगर जैसे इन केस अगर आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वार्निंग लाइट ऑन हो जाएगी, जो कि आपको इंडिकेट करेगी कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में है। उसके साथ साथ अगर अब मैं इस गाड़ी को ऑन करता हूँ तो देखिए आपको दिखाना चाहूँगा कि सेम मीटर है, उसी तरीके का है, येलो कलर के कलरिंग में है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी मोड दे दिया है, यानी कि ये लाइट्स जो कि आपने हमारे पिछले वीडियो में भी देखा था ब्लू हैं, फिर ये ग्रीन हो जाती हैं इकोनॉमी मोड पे, और अगर आप पावर मोड पे चलते हैं तो ये रेड हो जाती हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेटर के लिए डेडिकेटेड दिया है स्लॉट, और उसके साथ साथ यहाँ पे हाई बीम लो बीम के लिए भी डेडिकेटेड स्लॉट है। सो दीज आर द चेंजेस दैट यू गेट टू सी व्हेन यू आर ड्राइविंग द BS6 मॉडल ऑफ द सुजुकी एक्सेस 125। इसके बाद कुछ और चेंजेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आइए इधर दिखाता हूं आपको। तो कुछ चेंजेस जो आप यहां पे देख सकते हैं वो है, आप अगर देखें तो इसके साइलेंसर के ऊपर ये जो पाइपिंग होती थी विच इज़ आल्सो नोन एज द बेंड पाइप ऑफ द साइलेंसर, इसके ऊपर कोई भी कवरिंग पहले नहीं आती थी, जो कि अगर अब आप देखें तो अब इसके ऊपर एक डेडिकेटेड कवर आ गया है, और इस कवर का बेनिफिट सिर्फ ये होता है कि आपके हाथ अगर इस पे गलती से या पैर इस पे गलती से किसी का लग भी जाता है, तो ये देखिए गाइस ये गाड़ी गर्म थी अभी और मैं इसको पूरी तरह से टच कर सकता हूँ लेकिन मेरा हाथ नहीं जलेगा, लेकिन अगर मैंने अंदर वाले पोर्शन को टच किया तो शायद ये ज़रूर होगा। उसके बाद कुछ और हाईलाइट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, BS4 और BS6 के चेंजेस हैं, वो है आपका पीछे की तरफ। इस गाड़ी में जो फ्यूल टैंक है ये पीछे से ही खुलता है, पीछे से ही बंद हो जाता है। इस गाड़ी में अगर आपको फ्यूल टैंक ऑपरेट करना है तो उसके लिए आपको इस गाड़ी की सीट को ही, जैसे कन्वेंशनल स्कूटरेट्स में होता है, आपको यहाँ पे खोलना पड़ेगा और यहीं से ये फ्यूल टैंक ऑपरेट होता है। उसके साथ साथ अगर आप पीछे से थोड़ा सा यहाँ पर, मैं चाहूँगा कि विवेक आपको यहाँ पर दिखाएँ, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सुजुकी की कोई भी बैजिंग नहीं की गई है, यहाँ पे जो सुजुकी की बैजिंग होती थी उसको चेंज करके यहाँ पे ये देखिए अब इस पूरी लाइट के ऊपर ही सुजुकी की बैजिंग को कर दिया है, और प्लस थोड़ा सा LED लाइट्स का इल्यूमिनेशन ज़्यादा है, जो कि एक मेजर डिफरेंस है BS4 और BS6 में। जो एक और मेजर डिफरेंस है जो इन दोनों गाड़ियों में है वो ये है कि ये गाड़ी जो है BS4 मॉडल जो है इसमें आता है कार्बोरेटर फ्यूल सिस्टम, और ये जो BS6 गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें आता है फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम। यही वो एक प्राइमरी रीज़न है जिसकी वजह से इन दोनों गाड़ियों के माइलेजेस में फ़र्क आता है, क्योंकि इसमें लगा होता है ECU, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जिसे कि आप हिंदी भाषा में या सरल भाषा में कहूँ तो एक माइक्रोचिप, जो कि इस गाड़ी के फ्यूल इनटेक, एग्जॉस्ट, हर एक चीज़ पे कंट्रोल रखती है। तो यही वो प्राइमरी रीजंस हैं जिसकी वजह से सुजुकी एक्सेस BS4 और BS6 के मेजर फ़र्क हैं। और प्लस एक और जो मेजर हाईलाइट है वो ये है कि इन दोनों गाड़ियों में जो पॉल्यूशन नॉर्म्स हैं उनमें काफ़ी फ़र्क है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन लेवल है वो इसमें कुछ और है और इस गाड़ी में बहुत ही कम, यानी कि आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल होता है। सो गाइज दीज आर द मेजर डिफरेंसेज दैट वी सी इन सुजुकी एक्सेस 125, BS4 एंड BS6। अब लास्टली मैं बात करता हूँ माइलेज की। तो गाइज BS6 क्या माइलेज दे रही है फर्स्ट सर्विस से पहले, ये तो हमने टेस्ट किया हुआ है, लेकिन हमारे साथ इस BS4 व्हीकल के भी ओनर यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम उनसे ही पूछते हैं कि ये गाड़ी उनको क्या माइलेज देती है। तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जानना चाहेंगे कि
आपको ये गाड़ी क्या माइलेज देती है, आपका एक कस्टमर रिव्यू क्या है इस गाड़ी को लेके? 2-3% हियर एंड देयर में ये 45 किलोमीटर्स की एवरेज देती है। और अदरवाइज आपको इस गाड़ी को चलाते हुए कितना टाइम हो गया है, मतलब आपको? 3 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइज, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है कि 2-3 साल का समय हो चुका है और इस गाड़ी में आज तक कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं की है इसके प्रीवियस ओनर्स ने भी। सो गाइज, फ्रॉम मी आई वुड से सुजुकी एक्सेस 125 इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट हिट स्कूटर टू बाय। बहुत सारे अदर स्कूटरेट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ख़राब है या कोई अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली गाइस, जो मैंने टेस्ट किया है, जो मैंने देखा है, अकॉर्डिंग टू मी दिस स्कूटरेट इज़ डेफिनेटली वर्थ। और अब इसकी गाइस फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही है, फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। तो बहुत जल्दी हम इसका फर्स्ट सर्विस के बाद का भी माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। देखिए, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है अपना, क्योंकि अब ये माइलेज तो देने में ये पीछे हटेगा नहीं, तो हम तो बैठे बैठे ऐसा हो सकता है कि यहाँ से पानीपत तक पहुँच जाएँ, तो इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है कि कितना टाइम है, तो इसलिए वो वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ बी देयर विद अस। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। थैंक यू फॉर योर टाइम। गुड बाय।